मेरा नाम हर्ष छत्रवाणी है, मेरी वाइफ रीमा छत्रवाणी और हमारी 3.5 साल की बेटी है। हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हमारी जो बेटी है, जब उसका जन्म हुआ तब तो हमको नहीं मालूम था कि उसके किसी प्रकार की समस्या है, मगर वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी होती गई उसका जो स्क्विंट प्रॉब्लम था आँखों का वो हमको पता चला। इसके लिए हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने रायपुर के एक आई हॉस्पिटल को रिफर किया। वहाँ हम लोगों ने करीबन साल भर तक ट्रीटमेंट कराया मगर हमको इम्प्रूवमेंट वहाँ नजर नहीं आ रहा था। हमारे एक पड़ोसी हैं जिन्होंने अपनी बेटी की आंख का सर्जरी एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम में, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आप लोग वहां जाइए और एक बार डॉक्टर को दिखाइए कम से कम। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर काफी था। जब हम लोग हॉस्पिटल में आए तो इवन एंट्रेंस गेट से हमको स्टाफ का सपोर्ट मिलने लगा। तो हिंदी आती थी, सामने वाले को हिंदी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो टूटी फूटी हिंदी, टूटी फूटी हमारी इंग्लिश, मतलब ऐसे करते हुए हम काफी जो है यहाँ पे कई बार विजिट किए और हर बार हमको सपोर्ट मिला। हम लोगों ने डॉक्टर वीरेंद्र सरदेवा सर से कंसल्ट किया, उन्होंने काफी अच्छे से हमको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, सजेस्ट किया कि ये प्रॉब्लम एक सामान्य प्रॉब्लम जैसी ही है, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। हम लोग पहले काफ़ी डर रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची है उसकी आँख का सर्जरी कैसे होगा, मगर जब हम इस हॉस्पिटल में आए और देखे कि ऐसे तो 6 महीने के भी बच्चे हमने देखे हैं जिनके आँख का सर्जरी हो रहा था, तो हमको एक कॉन्फिडेंस आया जब इतने छोटे छोटे बच्चों की आँख का सर्जरी हो सकता है तो हमारी बेटी तो काफ़ी बड़ी है। जब हमारी बेटी का हमने सर्जरी कराया तो ये लगभग 3 साल की थी। अभी तो हमारी बच्ची के आँख में बहुत इम्प्रूवमेंट है और सारे स्टाफ का सपोर्ट मिला, डॉक्टर का सपोर्ट मिला, इसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सारे स्टाफ का और डॉक्टर्स का। थैंक यू।